हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस एक्सपर्ट। दिल से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है टर्म इंश्योरेंस क्यों। टर्म इंश्योरेंस क्यों, इसके बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहूँगी। टर्म इंश्योरेंस हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम अपने फैमिली से प्यार करते हैं। हम जो भी मेहनत कर रहे हैं, जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, हम अपने फैमिली के लिए ही करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो 10 से 12 घंटे आप ड्यूटी करते हैं, ऑफिस में बॉस की डांट खाते हैं, एक्स्ट्रा वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि जो भी आपकी फैमिली की नीड्स हैं उसे आप अच्छे तरीके से पूरी करें। तो जो भी कुछ कर रहे हैं आप अपनी फैमिली के लिए ही कर रहे हैं। तो टर्म इंश्योरेंस भी इसीलिए होता है कि जो भी लाइफ स्टाइल आप इतनी मेहनत के बाद अपनी फैमिली को दे पा रहे हैं, तो इन केस भगवान न करे कोई मिसहैपनिंग हो, तो भी आपका लाइफस्टाइल एज इट इज़ कंटिन्यू है। अगर आपने अपने फैमिली को लाइफस्टाइल ये दिया हुआ है तो कहीं ये ना हो जाए, यही मेंटेन रहे, इसी वजह से हम टर्म प्लान लेते हैं। अब मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी मिस्टर रमेश का। मिस्टर रमेश हैं, उनकी दो कहानी सुनाऊँगी मैं आपको। एक पहली कहानी है कि मिस्टर रमेश हैं, उनके दो बच्चे हैं, वाइफ हैं, माता पिता साथ में रहते हैं, बहुत ही हैप्पी फैमिली है। 1 लाख रुपये पर मंथ कमाते हैं। 1 लाख रुपए जो भी वो ला रहे हैं उस हिसाब से उनका लाइफस्टाइल मेंटेन है। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, घर खर्च बहुत अच्छे से चल रहा है, पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। घर उन्होंने लोन पे लिया हुआ है, उसकी भी EMI जा रही है। कार उन्होंने लोन पे लिया, वो उसकी भी EMI जा रही है। मोस्टली कहीं ना कहीं हम ये कर रहे हैं। तो मिस्टर रमेश की एक हैप्पी फैमिली है। अब पहली कंडीशन में आते हैं, जिसमें पहली कहानी में, जिसमें कि बहुत ही सब कुछ हैप्पीली चल रहा है। फाइनली मिस्टर रमेश रिटायर हो गए हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, बच्चे सेटल हो चुके हैं, रिटायरमेंट के लिए उन्होंने बहुत अच्छे पैसे जोड़े हुए हैं और वो अपने फैमिली के साथ रिटायरमेंट इंजॉय कर रहे हैं। ये एक सिनेरियो हो गया जिसमें हैप्पी हैप्पी है सब कुछ। अब भगवान करे ऐसा ही हो, लेकिन रिटायरमेंट सभी के लाइफ में नहीं होती है। अब हम दूसरी कहानी पे आते हैं। मिस्टर रमेश ऑफिस जा रहे थे और उनका सडनली एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब अज्यूम कीजिए कि 1 लाख रुपए पर मंथ मिस्टर रमेश जो कमा के ला रहे थे, जिससे उनका घर चल रहा था, सब कुछ मेंटेन था, अब वो सडनली ही आना बंद हो गया। अब बच्चों की फीस कैसे जाएगी, घर खर्च पूरे कैसे होंगे और पेरेंट्स की जो मेडिसिन या नीड्स थी वो कैसी पूरी होंगी। अगर यहाँ पर मिस्टर रमेश ने टर्म प्लान लिया हुआ है तो कहीं ना कहीं वो उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मिस्टर रमेश ने 2 करोड़ का इंश्योरेंस यहाँ पे लिया हुआ है, कंपनी से 2 करोड़ रुपए परिवार को मिला, परिवार ने उस अमाउंट को बैंक में रख दिया, जिससे कि मिनिमम लेके चलते हैं कि 6% का रिटर्न आना शुरू हुआ, जिससे कि उन्हें 1 लाख रुपये पर मंथ आना शुरू हो गया। तो जो भी मिस्टर रमेश कमा के ला रहे थे वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो रहा है। 1 लाख रुपये मिस्टर रमेश कमा रहे थे, 1 लाख रुपये उन्हें बैंक से आना शुरू हो गया। तो जो लाइफस्टाइल उन्होंने दिया था अपने फैमिली को, उनके ना रहने पर भी वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा। बच्चे सेम स्कूल में पढ़ेंगे, जो घर के खर्चे वो एज इट इज़ चलेंगे, लेकिन अगर ना हुए तो सोचने वाली बात है यहाँ पे। तो टर्म इंश्योरेंस हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। जीते जी हम अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन हम रहें ना रहें उसके लिए टर्म इंश्योरेंस होता है। तो टर्म इंश्योरेंस सभी को लेना चाहिए। अब टर्म इंश्योरेंस बताना चाहूँगी कितने टाइप के टर्म इंश्योरेंस होते हैं, कौन सा किस तरीके से लेना चाहिए। तो टर्म इंश्योरेंस की बात करूँ तो कई ऑप्शंस आते हैं टर्म इंश्योरेंस। एक टर्म इंश्योरेंस होता है जिसमें कि आप एक फिक्स पीरियड के लिए टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 30 ईयर्स के हैं, आपने सोचा कि मैं 80 ईयर्स तक का कवर चाहता हूँ, तो बीच में 50 ईयर्स हैं, 50 ईयर्स तक आप लगातार प्रीमियम पे कर रहे हैं और आपका इंश्योरेंस चल रहा है। इन 50 ईयर्स के दौरान अगर डेथ होती है आपकी, तो कंपनी जितने का भी प्लान लेंगे उतना आपको आपकी फैमिली को पे कर देगी। भगवान करे आप 80 साल उससे भी आगे जिए, 80 साल के 81 ईयर्स के हो गए आप, और लेकिन आपने प्लान 80 ईयर्स का लिया तो प्लान आपका ख़त्म हो चुका है, वहाँ पे कंपनी कुछ भी पे नहीं करती है। ये प्योर टर्म प्लान है जो कि बहुत चीप होता है। अब इसमें दूसरे ऑप्शंस भी आते हैं। कई कंपनी इस तरीके के भी टर्म प्लान प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें कि वो आपका जितना भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उतना वो एंड में एज ए मैच्योरिटी आपको पे कर देती है। तो वो टर्म प्लान भी ले सकते हैं।
लेकिन उसका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि एंड में इसमें आपको एक मैच्योरिटी भी मिल रही है। इसके अलावा बहुत सारे राइडर्स होते हैं जिसे आप ले सकते हैं। राइडर्स बहुत ही चीप सस्ते ही होते हैं, थोड़ा सा प्रीमियम देके आप एक्स्ट्रा फीचर्स खरीद सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सीडेंटल राइडर की बात करती हूँ, एक्सीडेंटल राइडर लिया आपने, इसमें आप जितना भी प्लान लेंगे उस अगर एक्सीडेंट में डेथ होती है तो कंपनी डबल अमाउंट पे करती है नॉमिनी को। इसके अलावा क्रिटिकल इनलेस, परमानेंट डिजेबिलिटी राइडर, टर्म राइडर, बहुत तरीके के अलग अलग राइडर्स होते हैं जिसे कि आप खरीद के एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर सकते हैं अपनी पॉलिसी में। अब टर्म इंश्योरेंस लेना कितना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस मैं बताना चाहूँगी एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम। ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट होती है हमारी इनकम पर कि हम कितना कमाते हैं। हम जितना भी एनुअल हमारा जितना भी इनकम है उसका 15-20 टाइम हमें अपना इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए। जैसे कि अगर आप 1 लाख रुपये साल महीने कमाते हैं, साल का 12 लाख रुपये कमाते हैं, तो करीब करीब आपको 2 से 2.5 करोड़ का इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि टर्म प्लान मीन्स इनकम रिप्लेसमेंट। आपकी जो इनकम आ रही थी उसे हम टर्म प्लान के जरिए रिप्लेस कर रहे हैं, तो 15-20 टाइम होना ही चाहिए। अगर अभी तक आपने कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है, टर्म प्लान भी लिया हुआ है, तो आप चेक कीजिए कि आपका 15-20 टाइम है या नहीं है। अगर नहीं है तो बिल्कुल से बढ़ा लीजिए, क्योंकि जैसे कि मैंने मिस्टर रमेश का एग्जांपल लिया था आपको, अगर मिस्टर रमेश 1 किलो दूध की कीमत में जो पर डे ले रहे हैं, अगर वो बढ़ा देते हैं अपने अपने रोज के खर्चों में, तो मुझे नहीं लगता उनके बजट में कुछ खास फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उतनी ही कीमत में वो एक टर्म प्लान परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी एक और सलाह है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और अगर आप टर्म प्लान लेने जा रहे हैं, तो आप अपने टर्म प्लान में MWPA एक्ट ज़रूर ऐड करवाएं। ये एक्ट बहुत ही ज़रूरी है, इन केस फ्यूचर में कभी भी आपको कोई बिजनेस लॉस होता है, भगवान ना करे कभी हो, लेकिन इन केस कभी होता है और कुड़की की नौबत आती है, तो भी इस एक्ट के थ्रू अगर आपने पॉलिसी ली है तो इस पॉलिसी के पैसों को कोई क्लेम नहीं कर सकता, वो हमेशा आपकी फैमिली की ही रहेगी। और इसे ऐड करने का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको अपने एडवाइज़र को इन्फॉर्म करना होगा। अब फाइनली मैं प्रोसेस पे आना चाहूँगी। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आप एक फॉर्म फिल करते हैं, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स देते हैं। चूँकि ये फाइनेंशियल लॉसेस को कवर करने के लिए टर्म प्लान लिया जाता है, तो आपको अपने फाइनेंशियल देने ज़रूरी होंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको 2 से 3 साल का आपको ITR देना होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपना फॉर्म 16 देना होगा, तो ही आप टर्म प्लान ले सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपकी रेंटल इनकम है, कहीं से कोई इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो आपकी इनकम में ऐड नहीं किया जाता है। आपका आपके इनकम में सिर्फ आपका बिजनेस इनकम जो है वो ऐड के देखा जाता है, या फिर आपकी सैलरी इनकम वही देखी जाती है। अगर आप हाउसवाइफ का भी सोच रहे हैं लेने के लिए, तो उनकी भी पॉलिसी ले सकते हैं, उनकी कुछ टर्म कंडीशंस होती हैं। अब आपने फॉर्म फिल कर दिया, डॉक्यूमेंट्स दे दिए सारे, अब उसके बाद कंपनी आपका एक मेडिकल करवाती है, मेडिकल करवाएगी। अगर आप मेडिकली फिट होंगे तो आपकी टर्म प्लान इश्यू हो जाएगा। अब मेरी सलाह यही है कि अगर टर्म प्लान आप लेने जा रहे हैं तो उसमें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, सब कुछ सही सही भरें। अगर आप स्मोकर हैं तो स्मोकर कैटेगरी का ही लें, क्योंकि स्मोकर कैटेगरी का प्लान थोड़ा महंगा होता है। अगर आप ड्रिंकर हैं तो उसमें मेंशन करें कि आप ड्रिंक करते हैं। क्यों? इन केस आपने नॉन ड्रिंकर करके पॉलिसी ले ली और कभी फ्यूचर में भगवान न करे एक्सीडेंट में डेथ होती है और आपने ड्रिंक की हुई है, तो कंपनी पॉलिसी क्लेम नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आपने कहा था पॉलिसी लेते वक्त कि मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, और डेथ आपकी जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें आपने ड्रिंक की हुई है, तो कहीं ना कहीं आपने यहाँ पे झूठ बोला है। तो जो भी आप ले रहे हैं, आप सारे फॉर्म को बिल्कुल सही सही फिल करें, चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए या थोड़ा सा महंगा भी पड़े तो भी। थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर देना पसंद करूँगी। थैंक यू सो मच।